हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। क्या कहूं, काफी समय बीत गया लेकिन अभी तक महाराज जी रात दरबार से महल नहीं आए। मालूम नहीं क्या बात है। बांदी, ए बांदी, देखो समय बहुत बीत चुका लेकिन अभी तक महाराज जी रात दरबार से महल नहीं आए। और चलो चलो महल में बिस्तर लगाओ, वहीं पे उनका इंतजार करूंगी। लेकिन मालूम नहीं क्या बात है, आज मेरा मुन्ना सुबह से बेचैन है, इसे नींद भी नहीं आ रही। ठीक है, चलो ठीक है महारानी जी, जैसे आप महल में बिस्तर लगाओ। द्वारपाल, कहिए महाराज। द्वारपाल, कहिए महाराज। द्वारपाल, तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो कि मैं हमेशा अपने इस प्रजा की सेवा में लगा रहता हूँ। क्यों नहीं महाराज, लेकिन आज का राज दरबार इसी जगह से स्थगित कर दिया गया है। क्यों नहीं, क्योंकि द्वारपाल हमारा आराम करने का समय हो गया है। अब मैं चलकर अपने शयन कक्ष में आराम करूंगा। और एक बात का तुम्हें ध्यान रहे, अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है तो उसे बता देना कि उसकी फरियाद कल सुनी जाएगी। क्यों नहीं महाराज। द्वारपाल, कहिए महाराज। मैं चल रहा हूँ, अपने शयन कक्ष में आराम करूंगा। क्यों नहीं महाराज। या भोले बाबा, मैं महाराज के महल में तो आ गई लेकिन अपने आप को बचाने के लिए कहाँ जाकर छुप जाऊं। मुझे कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई देती, कहाँ छुपूं। ओह, मेरे छुपने के लिए मुझे बड़ी अच्छी जगह मिल गई। ये जो महाराज का बिस्तर लगा हुआ है, मैं इसी बिस्तर में जाकर छुप जाती हूँ। और इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, इसलिए हमें इसी बिस्तर में छुप जाना चाहिए और जब मौका मिलते ही यहाँ से निकल जाऊँगी। मेरे लिए यही अच्छा होगा, इसी बिस्तर में छुप जाती हूँ। या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूं कि जब मैं हमेशा अपने शयन कक्ष में आता था तो हमारी महारानी हमारा इंतजार किया करती थी, लेकिन आज तो गहरी नींद में सोई हुई है। इसका मतलब कि शायद मुझसे कुछ खपा है। आओ महारानी जी को मैं प्यार से जगाता हूं। गुल बदने गुंचे दहने और मृग नयनी गुलफाम। गुल बदने गुंचे
मृग नयनी कुल आम, और तुम हो गहरी नींद में और मेरी नींद हराम। मेरी नींद हराम धीर धरे न मन प्यारी, मेरी नींद हराम धीर धरे न मन प्यारी, और उठकर सीने से लगो कुछ हसरत मिटे हमारी। उठकर सीने से लगो कुछ हसरत मिटे हमारी। और पल के जरा उठाओ हाथ, पल के जरा उठाओ हाथ, और सीने से मुझे लगाओ हाथ। मुझको काम और साथ हमारे आओ मिलकर दोनों करे आराम। लगता है हमारी महारानी जी कुछ मुझसे ज्यादा ही खपा हैं। आओ महारानी जी के पास, मैं भी सो जाता हूं। जब महारानी जी कल जागेगी तो पूछूंगा आखिर कारण क्या है। प्रिय, बात क्या है जो मुझसे इतना नाराज रहती हो? प्रिय मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। प्रिय मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। प्रिय पावे, और काम वासना में अंधा हो नागन को हाथ लगावे। धारी नागिन का श्राप तुझे लग जावे, इच्छाधारी नागिन का श्राप तुझे लग जावे, और आए राजा उज्जैन का तू पत्थर का हो जावे।
हूं मैं, तू ले मुझको पहचान। नहीं देवी जी, ये गलती मुझसे जान कर नहीं बल्कि अनजाने में हुई है, इसलिए हमारी खता माफ की जाए। देवी जी माफ की जाए। मुझसे अनजाने में भूल भारी हुई, मुझसे अनजाने में भूल भारी हुई, और आप नागिन है मुझको नहीं था पता। अपनी रानी समझ करे तुमको लिया था पकड़े, अपनी रानी समझ करे तुमको लिया था पकड़े, इसलिए माफ कर दो हमारी खता। महाराज आप ठीक कह रहे हैं राजन, लेकिन अब मैं क्या करूं। हाय भगवान, मैं इस घड़ी क्या करूं। हाय भगवान, मैं इस घड़ी क्या करूं। क्रोध में श्राप मुंह से दया है निकलना। राजन आप ठीक कह रहे हैं, आपने ये गलती जान कर नहीं बल्कि ये गलती आपसे अनजाने में हुई है राजन, लेकिन अब मैं क्या करूं। जिस वक्त आपने मेरे बदन में हाथ लगाया उसी वक्त मुझे क्रोध आ गया, और उसी क्रोध में आकर के मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। और राजन अब तो आपको इंसान से पत्थर होना ही होगा। नहीं देवी जी, आप इच्छाधारी नागिन हैं। अगर मैं जानता कि आप इच्छाधारी नागिन हमारे इस शयन कक्ष में विराजमान है तो मैं अपने शयन कक्ष नहीं बल्कि अपने इस राजमहल में नहीं आता। इसलिए हमारी खता माफ की जाए। अगर हमारी खता माफ नहीं किया तो हमारी इस प्रजा का क्या होगा। और रही बात देवी जी प्रजा की ही नहीं, हमारी महारानी और हमारा छोटा सा बच्चा, आखिर इन सबका क्या होगा देवी जी। और आप तो साक्षात श्रीमान श्री भगवान भोलेनाथ के पुजारी हैं, और ये इंसान तो मूर्ख है देवी जी। इसलिए हमारी खता माफ की जाए देवी जी, माफ की जाए। राजन क्या करूं, आपकी बात सुनकर मुझे दया आती है, मुझसे बहुत बड़ा धोखा हो गया। लेकिन नहीं, अगर मैं दया और मोह के चक्कर में पड़ती हूं तो मेरे दिए हुए श्राप का क्या होगा। इसलिए राजन अब तो तुम्हें
अब तो तुम्हें इंसान से पत्थर होना ही होगा। स्वामी, 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 कोई है दरबार में? कोई नहीं जगाता, क्या करूं मैं? दौड़ा इस दरबार के छोटे बड़े तमाम। इस दरबार के छोटे बड़े तमाम, महाराज पत्थर हुए हुआ अनोखा काम। ये क्या शोर राजमहल में, और हो रहा कैसा शोर ये महलों के दर में? हो रहा है कैसा शोर ये और महलों के दरमियान, रानी जी बतला ये पूछ रहा दीवान। मलिक है उज्जैन, क्या बात है आप इस तरह से बिलख रही हैं और दरबार के सारे सिपाही मूक दर्शक बने हुए खड़े हैं? माजरा क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मंत्र जी खजब हो गया, लेकिन हुआ क्या है? लुटाई बर्बाद हो गई, पर हुए साहब पत्थर नहीं कुछ कुछ आता। इसका मतलब ये कि मैंने जिस नागिन का पीछा किया वो भागकर राजमहल आई, और किसी कारणवश उसने महाराज को श्राप दे दिया, महाराज पत्थर के हो गए। हाँ मंत्री, महाराज पत्थर के हो गए, पत्थर के हो गए, महाराज पत्थर के हो गए। क्या महाराज पत्थर के हो गए और आपकी हंसी आ रही? महाराज पत्थर के हो गए, वाह ऊपर वाले तेरा भी जवाब नहीं। क्या कर रहे मंत्री? और मनमुराद, मनमुराद पूरी किया आज मेरी भगवान। मुराद पूरी किया आज मेरी भगवान, और बनू बनू मुर्कु जैन का राजा थार। राजा थारमान खुशी अब मेरे जिगर अंदर है, राजा थारमान खुशी
अब मेरे जिगर अंदर है और मैं राजा बन राज करूं महाराज हुए पर। पहरा दू लगवाना है कोई महल अंदर है, पहरा दू लगवाना है कोई महल अंदर है, और राजा कोई निशान नहीं बस बने रही पत्थर। और राजा कोई निशान नहीं बस बने रहे पत्थर हैं। और राजा मैं कहलाऊं जी राजा, तो राजा मैं कहलाऊं जी रानी को कैद करा लूंगा, रानी को और काम बनाया दादा और काम बनाया दाता, और अमृतलाल अमृतलाल पर नजर मेहर की कीन्हा आज विधाता। मंत्री प्रताप सिंह, इतनी जल्दी तुम्हारा दिमाग बदल गया? वाह मंत्री वाह, और गादगिरी सर पे मेरे हुई मैं गम से चूर, गादगिरी सर पे मेरे हुई मैं गम से चूर, और खड़ा तू हंस रहा ए बाजी मग, मंत्री प्रताप सिंह तुझे ऐसे कहते नहीं सर आती, खुली आंखों से सपने देखना बंद करो, मारा एक पत्थर के हो गए, अब तुम यहां की मलिका नहीं रही। और हुआ हुआ खत्म रानी समय अब तुम्हें, समय जब तुम्हारा और तेरे तेरे राज पर अब हो कब्जा हमारा, लिखो
राज मुझको जो चाहो भलाई। खींचू तुम्हारा, अगर जान की सलामती चाहती हो तेरा ये ताज मेरे हवाले कर दो। नजर मेरे ऊपर क्यों इस बार तेरी, नजर मेरे ऊपर क्यों इस बार तेरी, हुए सब पत्थर ये तकदीर फूटी। बने एक राजा ये दुनिया है छोटी। और सुनाबो सुनाबो नहीं तुम मुझे दर्दनाल, और करो करो राज जल्दी से मेरे हवाले। महारानी को हिरासत में ले लिया जाए, प्रताप सिंह का हुक्म है। स्थान कारागार में होगा, सिपाही महारानी और उनके बच्चे को खाना पानी दो दिन तक ना दिया जाए, भूखा प्यासा रखा जाए, उसके बाद किसी जल्लाद को बुलाकर मां और बेटे को हलाक करवा दिया जाए। ये प्रताप सिंह का हुक्म है, हमारे हुक्म की तामील हो, तामील होगी बाबा। ले जाओ मेरी नजरों के सामने से इसे कारागार में डाल दो। बुलाए सारे उज्जैन में इस बात का ऐलान होना चाहिए। किस बात का मालिक? कि महाराज पत्थर हो गए, हुकूमत की बागडोर प्रताप सिंह के हाथों में है। जो उज्जैन में प्रताप सिंह को राजा मानने से इनकार करेगा वो साला हमेशा के लिए गुलाम बना दिया जाएगा, गुलामी की जंजीर में जकड़ दिया जाएगा। और जो राजा मानकर हमसे फरियाद करना चाहे वो अपने चौखट से घुटनों के बल चलकर यहाँ आएगा। प्रताप
प्रताप सिंह से फरियाद करेगा, लेकिन उससे पहले मेरे कदमों को चूमेगा, और जो ऐसा नहीं करेगा वो भी गुलाम बना दिया जाएगा। मैंने क्या कहा था, अगर ईश्वर ने चाहा और घाटी का भेद मिल गया तो मैं सुजैन का नक्शा बदल दूंगा। जिस नाक से आग बरसती है, जिस नाक से आग बरसती है वो बिस्तर में काला, और उज्जैन में रहने वालों अब तुम्हारे भी जीवन को डसने वाला। प्रताप सिंह की खोपड़िया है, घूमी तो बंटा। बाप रे राम, ये साले के देखा तो एक साले का, देखो यही महारानी महाराज खीर चार महाराज खीर रहा है, वो महारानी का कैद करें, कैद कर आए हैं। अब एक बात यू है कि चलो ऐलान करे, ऐलान ऐलान वैलान ना करो, कहे ऐलान ना करो, चलो चली भाग के साहेब लाए। कौन साहेब है? साहेब जो हम बॉर्डर पर गए हैं। अच्छा सेनापति, जात बेरिया हमसे तोहसे कह के गए हैं, कह के गए हैं कि अगर कोई बात होती है तो हम तक जरूर खबर पहुंचाना। क्यों नहीं? ना ऐलान करो, ऐलान ना करो, ना जल्लाद ढूंढो। हाँ। और जल्लाद ढूंढे के बहाने चलो चली हुआ बॉर्डर पर, बॉर्डर और सारी बात सेनापति से बताया जाए। चलो। हाँ, चल भैया, चल भैया। दोस्तों, महाराज महाराज के कहने के मुताबिक मैं आज 3 महीने से बाखूबी अपनी ड्यूटी इस सीमा सरहद पर निभा रहा हूं, परंतु आज तक इस सीमा सरहद की तरफ कोई बागी, कोई लुटेरा, कोई आतंकवादी नजर नहीं आया। फिर उस दिन दरबारे खास में प्रताप सिंह ने जो पैगाम पढ़कर सुनाया था, क्या वो पैगाम झूठा था या फिर प्रताप सिंह की कोई चाल थी? क्योंकि काश कहीं कुछ ऐसा होता तो अब तक इस सीमा के आसपास कोई ना कोई दुश्मन नजर जरूर आता। खैर, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो फर्ज है, हमें उसे पूरा करना है। हमें रातों दिन इस उज्जैन के लिए जीना है और उज्जैन के लिए मरना है। अरे सिपाहियों, सिपाहियों, तुम लोग और इस वक्त यहाँ क्या बात है? बहुत परेशान नजर आ रहे हो, आखिर बात क्या है? क्या बात है बोलो? साहब, बात ऐसी है कि जो अपने महाराज थे, महाराज 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 पत्थर के हो गए। क्या क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो सिपाही? महाराज पत्थर के हो गए? लेकिन ये सब हुआ कैसे? हुआ ऐसे कि कोई छधारी नागन आई थी और किसी कारणवश महाराज को श्राप दे दिया और महाराज पत्थर के हो गए। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। अगर महाराज पत्थर के हो गए तो रानी माँ पर क्या बीत रही होगी, वो तो बेचारी बहुत परेशान होंगी। परेशान साहेब, जब महाराज पत्थर के हो गए ना, तो सेनापति जो अपना है, सेनापति महारानी महारानी को कैद करवा लिया। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? महामंत्री, मैं यहाँ सीमा सरहद पर ड्यूटी दे रहा हूँ और तुम हराम ज्यादा कह रहे हो कि सेनापति ने गिरफ्तार करो। सेनापति जी, आपसे हम बता रहे हैं कि वहाँ मंत्री जी ऐसा कर रहा है। तो मेरा नाम क्यों ले रहा है? अरे आपसे काबन तो कहा दूसरे का नाम ले। तेरे कहने का मतलब कि महाराज पत्थर के हो गए तो उस दीवान प्रताप सिंह ने रानी माँ को कैद करवा लिया? हाँ, और बहुत मारा। हे भगवान, हे भगवान, ये सब क्या सुन रहा हूं मैं, क्या सुन रहा हूं भगवान।